हेलो सलाम वालेकुम, मैं ताशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिज़ाइन क्राउड। डिज़ाइन क्राउड है क्या? डिज़ाइन क्राउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग कॉन्टेस्ट खेल के सिंपली बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते हैं। अब इसके ऊपर कॉन्टेस्ट खेले किस तरह से जाते हैं और किस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, किस चीज़ के कॉन्टेस्ट होते हैं, यहाँ पर आप लोग लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन और सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारे तरीके के, अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन जानते हैं तो आप लोग यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब कॉन्टेस्ट खेलना किस तरह से, अकाउंट किस तरह से बनेगा, अकाउंट किस तरह से अप्रूव करवाया जाएगा, वो हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अब कॉन्टेस्ट आता कहाँ से? कॉन्टेस्ट आता इस तरह से कि कस्टमर आता है, कस्टमर आके यहाँ पर एक छोटी सी ब्रीफ पोस्ट करता है, अगर उसको लोगो डिज़ाइन बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो यहाँ पर आके वो कॉन्टेस्ट लॉन्च करेगा। कॉन्टेस्ट लॉन्च करने के बाद क्या करेगा, अपना बजट सेट कर देगा कि भाई मेरा $150 का ये बजट है। अब जितने भी दुनिया भर के डिज़ाइनर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर आके पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, सिंपली आपने क्या करना है, ब्रीफ को पढ़ते हुए अपना डिज़ाइन सबमिट करना है उसके अंदर। अब कस्टमर को जिसका भी डिज़ाइन समझ में आएगा, ठीक है, तो अगर तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह करवानी है उसने, तो वो चेंजेस के लिए फीडबैक देते रहेगा। तो एक डेडलाइन होती है, जैसे 10 दिन का या 1 हफ्ते का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर वो रिविजन्स करवा लेगा पहले से ही। और जब उसको लगेगा कि हाँ ये डिज़ाइन जो है इस काबिल हो गया है कि हाँ मैं परचेज़ कर सकूँ, तो क्या करेगा, उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करके और उसे फाइल्स लेगा और उसको पैसे दे देगा, ठीक है। पूरा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पेमेंट कहीं नहीं जाती कस्टमर। अगर हाँ, यहाँ पे कॉपीराइट्स का बड़े इशू है, आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया आपका अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। और अच्छा, अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि डिज़ाइन क्राउड कितनी फीस लेता है। आपने जब कॉन्टेस्ट खेला उस टाइम तो कुछ नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका कॉन्टेस्ट विन हो गया, विन होने के बाद डिज़ाइन क्राउड लेता है 15% चार्जेस, ठीक है। 15% चार्जेस का मतलब ये है कि अगर आप एक $150 का कॉन्टेस्ट विन कर रहे हैं तो आपको $127.5 आपको मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। दिन में छोटे से टारगेट से बनाए कि हमने दिन में 3 कॉन्टेस्ट खेल लें। मैंने भी अपने जब कैरियर का आगाज़ किया था इसी प्लेटफॉर्म से किया था, आज भी कर रहा हूँ, प्राइवेट भी क्लाइंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, 3 कॉन्टेस्ट कम से कम खेलने हैं, तो महीने के आपके हो जाएंगे 99, 100 कर लें उसको, 100 कॉन्टेस्ट आपने खेल लें। उससे पहले ये नहीं सोचना कि मैंने विन करना है, आपने वो खेलने हैं कॉन्टेस्ट अपने लर्निंग के लिए। और जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे आपको पता लगेगा काम किस तरह से होता है, और फीडबैक जब दें आएगा कस्टमर का, आप लोग चेंजेस कर रहे होंगे, आपका काम इंप्रूव होगा। इसे लर्निंग करनी है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। 100 कॉन्टेस्ट जब आप खेल लेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 5 तो लग जाएंगे। अगर आपके 5 भी लग गए 100 के अंदर से तो अच्छा अमाउंट बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस पे स्टिक नहीं रहना, अपने प्राइवेट भी क्लाइंट बनाते रहें और इसको भी साथ साथ लेके चलते रहें, एक अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी दिन से बस मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के बारे में हम लोगों ने डिज़ाइन क्राउड के बारे में डिस्कस कर लिया, कल हम लोग डिज़ाइन क्राउड का अकाउंट बनाना देखेंगे, परसों हम डिज़ाइन क्राउड के अकाउंट को अप्रूव किस तरह से करवाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपने लर्न किया हो और आगे भी लर्न करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।